हेलो दोस्तों, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जो है वो वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका आगे का हर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी वैकेंसी है, कितनी सीट है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो ये हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो, ठीक है, ये आपका 20/12/2018 को निकाला गया था। ठीक है, 20 दिसंबर को निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी नोटिस जो है वो आपका दिया गया है, ये नोट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनवाइट्स अप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड प्रोफेशनल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द मेंशन बिलो ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पर वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ये 1 ईयर के लिए है, सिर्फ 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों, तो उसमें है DY डायरेक्टर ICTC का, उसका एक पोस्ट है। ठीक है, जो मंथली आपका पेमेंट है वो 36,200 है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है, ये आपको 1 साल के लिए। फिर उसी तरह से DY डायरेक्टर पोस्ट सेकेंड वाला जो है वो CST है, वो उसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है और पेमेंट जो है वो 36,200 ही इसमें भी है। थर्ड वाला की बात करें हम, तो DY डायरेक्टर ME सर्विलेंस के लिए है, उसमें भी पेमेंट जो है वो 36,200 है। सारी जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है, फिर फोर्थ वाली की बात करें हम, तो ज्वाइंट डायरेक्टर TI उसमें भी वैकेंसी 1 है, इसमें पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है, 48,500 रुपया है। ठीक है, पांचवे पोस्ट की बात करें DY डायरेक्टर TI, ठीक है, वो भी एक वैकेंसी सीट है, उसमें 36,200 इसमें आपका मंथली आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं DY डायरेक्टर IEC के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, एडमिन ऑफिसर के लिए, सभी के लिए एक एक पोस्ट है और पेमेंट जो है वो 36,200 है, इसमें भी 36,200 है, इसमें 25,000 है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और एडमिन ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 25,000 रुपया है। ठीक है, आपको जो डिटेल्स, जितना सारा एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो JSACS organization.in ऐसे करके वेबसाइट है, आपको वहाँ पर जाना है और अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भी आपका ये वैकेंसी है वो प्रोफेशनल है और 1 साल के लिए आपका क्या है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिंक किया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो एग्रीमेंट करना होगा, साइन करना होगा, जब भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एग्रीमेंट फिलअप करना होगा कि आप 1 ईयर के लिए आप इसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में रखे जा रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम एज लिमिट देखिए दोस्तों, 12/10/2018 12 अक्टूबर तक आपका, ठीक है, आपका कितना एज होना चाहिए, 35 फॉर जनरल। ठीक है, आपका 35 साल आपको किसके लिए, जनरल वाले लोग के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 37 ईयर्स फॉर OBC 1 में आते हैं जो, और OBC 2 में भी जो आते हैं। ठीक है, और वही 38 इनके लिए है, वो 38 जो है वो उन वुमेन के लिए जो है वो 38 वुमेन के लिए है। ठीक है, एज, और हम SC ST की बात करें, ठीक है, SC ST वाले लोगों के लिए, SC ST के लिए कितना है, 40 साल दिया गया है। ठीक है, 40 साल तक अगर इनका एज है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और मेन और जो वुमेन हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 10 साल का, 10 ईयर्स का उनका क्या है, वो
जो और उनको एक्सटेंड मिलेगा, एज जो है वो रिजर्व रहेगा, ठीक है, अगर उसके कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन जो होगा, ठीक है, वो क्या है, उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी होगा और जो भी रिटेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पर आपको किया जाएगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी रांची रिजर्व्स द राइट, जो भी है क्या पोस्टपोन करना होगा जो भी होगा वो भी सब वो जो है JSACS जो है वही करेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो है वो कितना तारीख तक है आपका, 10/1/2019 तक है दोस्तों, आपको जल्दी से करना है, 10/1/2019 तक ही है, तो आज ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा हुआ है, तब जल्दी से इसमें जाकर और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पोस्ट के लिए करना है उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पास आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, JSACS.org.in पर आपको जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा जानकारी मिल गई है, सारी जानकारी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, झारखंड लाइव के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल यानी घंटी बटन पर क्लिक करें।